हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपको बाजार जैसा समोसा हरी चटनी के साथ बनाना बताऊंगी। कितने क्रिस्पी समोसे हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में लगभग समोसे के सारे टेक्निक बताऊंगी। समोसे क्रिस्पी कैसे बनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम समोसे का आटा लाएंगे। ये मैंने एक कटोरी से कम मैदा लिया है। इसमें हम लगभग आधे चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसको क्रश करके अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा साधारण नमक और इसमें लगभग आधी कलछी तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसको तेल को पूरा अच्छी तरह से मैदा में मिक्स करेंगे। जब तेल लगभग अच्छी तरह से मैदा में मिक्स हो जाए, थोड़ा सा तेल में और डालूंगी, क्योंकि तेल से ही हमारे समोसे बहुत ही अच्छे खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह से इसे हाथ से पूरे तेल को मिलाना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है। हमें एकदम से पानी नहीं डाल देना, नहीं तो हमारा मैदा बिल्कुल गीला हो जाएगा। और लगभग हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथेंगे, जिससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा लग चुका है। हम इस तरीके से गीले कपड़े में, हल्के गीले कपड़े में लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने 5-6 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर फ्रिज में रख दिए थे बिना छिलका निकाले। फ्रोजन मटर लिए, थोड़ी सी किसकर अदरक ले लिए। अब मैंने आलू को छील लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट ली है। और हम कुछ मसाले लेंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी लूँगी, थोड़ा 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आलू के हिसाब से हमें लेना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा जैसे चटकने लगेगा, हम इसमें थोड़ी सी क्रश की हुई सौंफ डालेंगे, हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग जैसे, और अदरक भी मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, आधे मिनट तक। अब हम इसमें अपने मटर डालेंगे और मटर को भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि हमारी मटर फ्रोजन मटर है तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगी। इस तरह से हमें अच्छे से चलाते हुए मटर को पकाना है। अब हम इसमें उबले हुए आलू को मैश करके डालेंगे। और हमने जो भी मसाले लिए, सारे मसालों को भी ऐड करके अच्छी तरह से पूरे आलू मसाले को मिलाएंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें मसाले को भुनना है। ये जो बड़े आलू के टुकड़े हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से दबा करके, हमारा आलू मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। हम इसमें थोड़ी सी कटी हरी धनिया डालेंगे। मिक्स करेंगे, हमारा आलू पक्का था। इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। तो हम थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी बनाएंगे। इसके मैंने थोड़ी सी इमली को धो लिया था और उसमें हम लगभग थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब समोसे के लिए हम हरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए धनिया ली है, 2 मिर्च, आधा नींबू, 8-10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, थोड़े से मूँगफली दाना, आधे कटोरी कटा टमाटर और हम 1 जार लेंगे। अब हम धनिया लेकर
उसको छोटा छोटा काट करके जार में डालेंगे, जिससे हमारी धनिया अच्छी तरह से पिस जाए। ये मैंने धनिया को छोटा छोटा काट लिए है। हम इसमें टमाटर डालेंगे, मूंगफली, लहसुन, मिर्ची, अदरक और हम आधा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ देंगे, आधा चम्मच नमक, नींबू के कुछ दाने गिर गए उसको हम बाद में निकाल लेंगे। ये नींबू के दाने गिर गए थे, इसे मैं इस तरह से निकाल लूंगी, ये तो चटनी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। हम आधा नींबू का रस और डालेंगे, मैंने अच्छी तरह से रस निकाला, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिए है। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमारी चटनी बिल्कुल हरी बनकर तैयार हो गई है, एकदम रेस्टोरेंट जैसी। हमने जो इमली भिगा कर रखी है तो लगभग भीग चुकी है। अब हम इसे हाथ से इस तरह से मसल करके इसका सारा रस निकाल लेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी चटनी एकदम पतली हो जाएगी। मैंने इसका रस, इसमें मैं काला नमक डालूंगी आधा चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च, इसको मिक्स करके, और चाहे तो आप गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं खट्टी चटनी। अब हम समोसे बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने आटा गूंथा था उसको थोड़ा सा एक दो मिनट और अच्छी तरह से मसल करके उसको एकदम सॉफ्ट बना देंगे। हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब मैं बाकी आटे को अच्छी तरह से ढक करके रख दूंगी, जिससे हमारा आटा सूखे ना। हम इसे बेलेंगे। हमें इसे एकदम बिल्कुल गोल नहीं बेलना है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे बेलना। हमें थोड़ा सा इसे लंबा बेलना है, इस तरह से। हम उठा उठा के इसे पतला बेलेंगे। मैं ज़्यादा बड़े समोसे आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगी, मैं लगभग मीडियम साइज के समोसे ही बना रही हूँ। ये मैंने बेल लिया है। अब मैं इस बीच से चाकू की मदद से इसे दो पीस कर दूंगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी भी ले लिया। हम इसे अब इस तरह से हाथ में लेंगे और इसके पूरे साइड में पानी लगा देंगे। हम इसे अंगूठे की मदद से इस तरह से फोल्ड करके और अपने हाथ में रखेंगे इस तरह, और आलू डालेंगे। जितना भी आलू इसके अंदर आएगा, हमें ज़्यादा आलू नहीं भरना है। और हम एक उंगली से आलू अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से इसे चिपका देंगे। हमें अच्छी तरह से इसे चिपका के रखना है और हम समोसे बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितना लगभग बेलना है। ये मैंने थोड़ी बड़ी लोई ली है, जिससे हमारा थोड़ा सा बड़ा समोसा बनेगा। ये देखिए, है ना, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। बीच से मैंने काटा इसे, इसके चारों तरफ मैंने पानी लगाया, इस तरह अंगूठे के फंसा करके इसको फोल्ड किया। इसमें आलू इस तरह से डालेंगे और इस तरह से आलू को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और इस तरह से चिपका देंगे। और इस तरह हमारे समोसे की डिजाइन बिल्कुल बनकर तैयार होगी। इस तरह से हम सारे लोइयों को बेल लेंगे और समोसे को लगभग 10 मिनट तक हवा में रख के रहने देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, हम धीरे धीरे करके मिर्च फ्राई कर लेंगे।
समोसे में मिर्च का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम एक एक करके अपने कढ़ाई में समोसे डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। बिल्कुल लो भी नहीं रखनी है और मीडियम से कम ही हमें रखना है इसे। लगभग 15 मिनट तक हमारे समोसे पकेंगे इसमें। हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और उसे पलटते रहेंगे। तो एक साइड से हमारे समोसे जल इस तरह से हमें करछी की मदद से पलटना है। जिधर कच्चे दिखेंगे उधर को हम पलट करके उसे सेक लेंगे। ये हमारे समोसे पक चुके हैं और ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब कढ़ाई को अच्छी तरह से पकड़ करके समोसे निकालें। मैंने एक एक करके सारे समोसे निकाल लिए हैं। अब फिर से इसी तरह से एक एक करके समोसे डालें। इधर जब तक हमारे समोसे पकेंगे हम इधर समोसे को चटनी के साथ तैयार करेंगे। इसी से छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल एकदम क्रिस्पी दिख रहे हैं ना। अब ये बिल्कुल गर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे काट कर। ये मैंने समोसा लिया। मैं चाकू की मदद से इसे काट के दिखाऊंगी। देखिए इसके अंदर आलू कितनी अच्छी तरह से भरा हुआ है। अगर आपको समोसा खाना पसंद है, मैंने एकदम इजी मेथड बनाया है, आप भी बनाकर घर पे खाइए। बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार हैं। हम इसे हरी चटनी के साथ और अपनी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। और हमारी समोसा और हरी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। अब हम दूसरे तरीके से समोसा अगर हम खाना चाहते हैं तो हम इस पहले से बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि समोसा बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने मीठी चटनी डाली। हरी चटनी आपको जो चटनी जितनी ज़्यादा पसंद है आप उतनी ज़्यादा खा सकते हैं। थोड़ा सा दही डाला मैंने। इसके ऊपर प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च। हमारी बिल्कुल होटल जैसी प्लेट एकदम तैयार है चटनी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।